नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक से। पहले तो आज जन्मदिवस के दिन आप लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की, इतना प्रेम दिया और बहुत अच्छी अच्छी आज रवि जी का बर्थडे है। रवि जी हमेशा बैच में परेशान रहते हैं, मैंने इनको काफी समझाया कि आज आपका बर्थडे है, रिलैक्स रहिए। नहीं, हमको बताना पड़ेगा, बैच प्रारंभ हो गया। हमने कहा ठीक है बताइए। तो मेरी तरफ से और पूरी संस्था की तरफ से रवि जी का हमारे इंस्टीट्यूट में जो योगदान रहा है, इन्होंने एक विशाल स्टूडेंट यानी छात्र वर्ग का प्यार हासिल किया और मेरा भी दिल जीता है हमेशा से। तो मैं आप सभी लोगों के सामने रवि जी को अपने तहे दिल से जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि रवि जी की आयु बहुत ही लंबी हो। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी सर। आलोक सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, उनके उपहार को यहां रखते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। पुनः कहता हूं कि बहुत सारी शुभकामनाओं के लिए आप सभी लोगों का ढेर सारा जो है धन्यवाद, इस प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं लगातार आप लोगों से रूबरू रहता हूं और आज भी मैं आपसे रूबरू हूं उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा से संबंधित जो बैच है उसको लेकर। कल आलोक सर द्वारा पर जो नंबर पब्लिक किया गया था एक यूपी पीसीएस एंट्री के लिए, और लगभग 4000 से ज्यादा लोगों ने एंट्री लिख के भेजा पहले दिन, और लगातार संस्थान में आप लोगों के फोन आए कि सर जो है आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंट्री को भेज नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि अब व्हाट्सएप पर बल्क में मैसेज नहीं जाता और व्यक्ति ही मैसेज को रिप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। उसके साथ एक छोटी सी परेशानी और हुई जिसपे मैं आपको बता दूं कि जो नंबर कल आलोक सर द्वारा पब्लिक किया गया था, किन्हीं कारणों की वजह से हमें उस नंबर को बंद करना पड़ा। और वो नंबर जब आपका बंद हुआ तो एंट्री भेजने की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हुई और हो नहीं पाई। तो मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन सभी सदस्यों ने कल भी एंट्री भेजी थी वो पुनः इस नंबर पर यूपी पीसीएस के प्रवेश के लिए एक बार एंट्री भेजें, और जो नए सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं जो यूपी पीसीएस प्री कम मेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोग इस नंबर पर एंट्री यूपी पीसीएस लिख के व्हाट्सएप करें। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जिन लोगों ने कल भी भेजा था उनको पुनः एक बार इस पर भेजना पड़ेगा, हम आपको त्वरित रूप से रिप्लाई कर पाएंगे। ये हमारा नया नंबर है जो यूपी पीसीएस बैच में प्रवेश के लिए जारी किया गया है। दूसरी बात देखिए, परीक्षा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, आप सभी लोग जानते हैं, और परीक्षा चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति के हिसाब से संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चुनाव किया है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो चाहे वो मुख्य परीक्षा के लिए हो। मैं आपको बता दूं कि मैं परीक्षार्थी जीवन में जब मैं था और मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा था, स्वयं मैं जिन अध्यापकों का नाम सुनता था कि इनसे हमें मिलने के लिए मिल जाए, आज वो इस मंच पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। आलोक सर का ये प्रयास है और आलोक सर के कुशल निर्देशन में हम लोग इतना शानदार कर रहे हैं। तो वो सुविधाएं जो आप बहुत सारे पैसे खर्च करके दिल्ली के मुखर्जी नगर में और वहां अर्जित करते हैं, वो सभी सुविधाएं आपको यहां पर जो है मिल रही हैं। प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति के हिसाब से टीम बिल्कुल अलग रखी गई है और मुख्य परीक्षा की प्रकृति के हिसाब से टीम बिल्कुल अलग रखी गई है। बड़े बड़े अध्यापकों के नाम आप देख रहे हैं और लगातार आप उनकी क्लासेस से भी एक दो दिन में रूबरू होंगे, जैसे संजय ठाकुर सर हैं, आर के अग्रवाल सर हैं, एस के झा सर हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं जो विषय के समावेशन के हिसाब से उस विषय को आपको प्रस्तुत करें कि जो प्रश्नों की प्रकृति को पकड़ ले और आप छोटे से पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत अच्छे से अंक अर्जित कर सकें पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है लगभग समय अवधि के हिसाब से 8 महीने हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि लगभग 4 से 5 महीने आपकी प्रारंभिक परीक्षा में है और उसके बाद 2 से 3 महीने आपके मुख्य परीक्षा में, तो टोटल अवधि देखें तो हम 8 महीने की है। तो प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए एक साथ बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं और आप इस बैच में पूरी विश्वसनीयता के साथ जुड़िए। मैं स्वयं इस बैच में जो है रहूंगा और करेंट अफेयर्स तो मेरी जिम्मेदारी है, रीजनिंग मेरी जिम्मेदारी ही है, और भी मुख्य परीक्षा में जहां पे मेरी जरूरत होगी समसामयिक मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो मैं एक बार पुनः आपको इस नंबर की तरफ ले जा रहा हूं कि ये नंबर है, या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं आप इन नंबरों पर भी फोन करके जो है अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं। बैच 20 तारीख से प्रारंभ होना है, बैच 20 तारीख से प्रारंभ होना है। वेबसाइट के माध्यम से लॉग इन आईडी और पासवर्ड आपको दिए जाएंगे। उससे पहले जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है कि एंट्री यूपी पीसीएस लिख के आपको इस पर भेजना है, व्हाट्सएप करना है। मैं पुनः कह रहा हूं कि जो लोग एक बार एंट्री भेज चुके हैं
उनको फिर से एक बार एंट्री लिख के भेजना होगा, इतना कष्ट करना होगा। एक बार सभी लोग जो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो विश कर रहे हैं जन्मदिन के लिए उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ दिया, आलोक सर ने इतना मौका दिया, इतना प्रेम दिया परिवार के सदस्य के लिए, इसलिए मैं आलोक सर का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं और संस्था के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी लोगों से, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, आप सभी लोगों से हम लोग हैं, तो आप सभी लोगों को और पूरे मैनेजमेंट का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना थी, आइए पूरी विश्वसनीयता के साथ जुड़िए और 2020 में अपने अफसर बनने का सपना पूर्ण करिए। हम लोग पुरजोर तरीके से पूरी रिसर्च के साथ आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।